सभी साथियों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज हम सब अपने परिवार के सुषमा बिहारी हैं। हम कांग्रेस परिवार की तरफ से, इंग्लिश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, हमें हमारे बीच में तैयार महासचिव अपनी बातें पाती सम्मान के योग्य मंच पर मौजूद आदरणीय श्रीमती पूनम सिन्हा जी, हमारी छोटी बहन, और उनसे पहले मैं हमारे बाबूजी को संबोधित करूंगा, आदरणीय श्री राम ललन साहू जी, बिहार में नव निर्माण की नई शुरुआत के लिए कटिबद्ध हैं, हमारे छोटे भाई लव सिन्हा जी, मंच पर विराजमान हमारे सांसद डॉक्टर नासिर हुसैन जी, जो जवाब इसके बाद नहीं करेंगे, मैंने थोड़ा सा समय लिया, पर यह आवश्यक था। एक कार्यक्रम शुरू किया गया था जिसे सबने पसंद किया, कि जब दो युवाओं की, बड़ी बहन और छोटे भाई की एक जोड़ी जो हमारे साथ बैठी, जब एक दो नौजवानों की जोड़ी, मैं तो थोड़ा बूढ़ा हो गया इसलिए अपने आप को शामिल नहीं कर सकता, तो जब इन दो युवाओं की जोड़ी इस प्रकार से जुड़ जाएगी तो इस इलाके की प्रगति और तरक्की को कोई रोक नहीं सकेगा। और वो चाहे डॉक्टर नासिर हुसैन हो, चाहे मनप्रीत जी हो, चाहे राव नरेंद्र सिंह जी हो, चाहे पंडित प्रेमचंद मिश्रा हो, और चाहे मैं स्वयं, हम सब आप दोनों को विश्वास दिलाते हैं कि हर लड़ाई और हर जंग में हम आपके साथ कंधे से कंधा इस इलाके की प्रगति के लिए साथ खड़े मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी छोटी बहन का बहुत बहुत एक बार फिर अभिनंदन करते हैं। कि आज सुषमा जी और उनके पिताजी और उनके सारे जो उनके साथ कदम से कदम चलने वाले लोग हैं, उन्होंने फैसला किया है कि छोटे भाई लव सिन्हा जी का और कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे। तो मैं तो आज यही कह सकता हूं कि सुषमा जी के बारे में उनकी जो खूबियां हैं दिलो दिमाग की, वो पटना के लोगों के जुबान जदे आम है, सियासी जमातों के रोशनदान और खिड़कियां कभी बंद नहीं की जा सकती। मैं सुषमा जी आपको यही कह सकता हूं कि आपको भी पता है कि मैं बाकी दूसरे प्रत्याशी के तौर पर, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैंने नामांकन किया था, लेकिन मेरा नामांकन रद्द कर दिया गया। मैं एक प्रश्न करना चाहती हूँ, उनके पास पूरा तंत्र है, वो हर चीज को खरीद सकते थे, इसलिए उनके लिए सारी चीजें छमे दी और उन्हें जिन गलतियों को उन्हें आज सजा मिलनी चाहिए उन्हें आप लोगों ने माला पहना दिया। और मेरी एक छोटी सी गलती, उनसे बहुत ही नगण्य गलती थी, उस गलती पर उसी माला की रस्सी से मेरे लिए आपने फांसी की सजा तय। लव सिन्हा आए थे मेरे पास, वो बोले कि आपने बरसों मेरे पिताजी को भी मदद किया, क्योंकि मैं त्याग पत्र दे चुकी थी अपनी प्राथमिक सदस्यता से। तो मैंने लव को कहा, उसने कहा कि दीदी क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगे, मैं यहाँ आया हूँ, लोग बहुत अफवाह फैला रहे हैं मेरे बारे में कि मैं आया हूँ तो चला जाऊंगा, मैं अपनी राजनीति की शुरुआत करने आया हूँ तो मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। तो मैंने कहा कि ये मैं कैसे यकीन कर लूं कि आप जाएंगे नहीं। तो उन्होंने कहा दीदी आप इसको यकीन, अगर मैं शब्दों में करूंगा तो आप शायद यकीन करें या ना करें, लेकिन मैं माँ भी सामने बैठी है और राव साहब भी बैठे थे, मैं उनसे उनके समक्ष ये कहना चाहता हूँ कि मुझे राजनीति की पाठशाला में एडमिशन लिया हूँ और यहाँ पर अगर मैं जीत करके आता हूँ तो राजनीति में कैसे सेवा की जाती है और कैसे जन सेवक बन करके काम किया जाता है ये आप लोगों से मैं सीखूंगा, तो मुझे अपने से दूर मत करिए, मुझे सिखाइए कि मैं कैसे काम करूंगा। मुझे लगा कि 30 वर्षों तक जो टिकट है बांकीपुर का, पूरे पटना के टिकट के बारे में कह दीजिए, आज कितना विरोध था, पूरा पटना सैलाब में डूबा हुआ था, वो प्राकृतिक सैलाब नहीं था, वो मानवीय क्रूरता का सैलाब था।
यानी एक मच्छर कितनी पूरी तैयारी से निकला होगा कि आज पटना के सारे विधायकों को एक बार में मैं डेंगू को का बीमारी दे दूंगा। और उन्होंने करा, एक साथ चारों विधायक सो गए और विधायक सोने के बाद सबकी मच्छरदानी वाली तस्वीरें आने लगी। विधायक जी जल्दी ठीक हो जाए, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। मैंने भी प्रार्थना की, ईश्वर अब तक तुम्हें बीमारी हुई नहीं, अगर बीमारी है भी तो उन्हें जल्दी ठीक कर। दीदी ने जो भी कहा आपने सुना, आज हम यहाँ पे साथ इसलिए क्योंकि जो दीदी के साथ किया गया वो किसी के और के साथ भी किया जा सकता। जैसे आप कल सुना होगा आपने कि पुष्पम प्रिया को भी गिरफ्तार किया गया। ये लोकतंत्र है या ये ताकत का नाजायज फायदा उठा रही है सरकार? ये मैं भी हो सकता हूँ, अगर शायद मेरे साथ सुरजेवाला साहब और कांग्रेस पार्टी जुड़ी ना होती तो शायद आप मेरे बारे में भी सुनते। अगर मेरे पिताजी ना होते मेरे साथ तो शायद मेरी भी कहानी आती। लव सिन्हा को गिरफ्तार नहीं होना चाहिए क्योंकि इसीलिए हम सब सरकार के खिलाफ आज सामने आए हैं। क्योंकि जो लोकतंत्र में जो हम विश्वास करते हैं, जो कांग्रेस पार्टी विश्वास करती है, ये वो लोकतंत्र नहीं है। और दीदी के साथ मैं आप सबके सामने यही कहना चाहूँगा कि बहुत हो गया, बांकीपुर में हमको बदलाव लाना है। दीदी हमारे साथ है, दीदी से जैसे दीदी ने कहा मिलने क्यों गया, क्योंकि दीदी के साथ जब वो हुआ मैंने उसका जिक्र किया, मुझे पता था कि दीदी भी प्रत्याशी थे, मुझे पता था। जब मुझे सुनने में आया कि दीदी के साथ ये किया गया, मैंने खुद सोशल मीडिया के माध्यम से दौरान और मतलब मेरे माता जी से मैंने कहा ये गलत, मतलब सोचिए कि आप कोई प्रत्याशी के साथ ऐसे होगा वो आपके सामने खड़ा खुश हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि भाई अच्छा कि एक ताकतवर प्रत्याशी नहीं रहा मैदान में, पर मैंने कहा कि ये गलत है और ये जो करवाया दूसरे प्रत्याशी नितिन नवीन जी ने उनके पार्टी ने, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं मैं दीदी के पास जाऊंगा। और हाँ हो या ना हो दूर बात की बात है, तो पहले मैं दीदी के पास जाऊंगा, मिलूंगा और उनसे आशीर्वाद दूंगा कि वो मुझे थोड़ी अगर सहायता दे सकते तो दे, और अगर ना भी दे तो उनका आशीर्वाद लेना मेरे लिए जरूरी था क्योंकि मेरे बड़े बहन जैसे हैं, मेरी माता जी भी उनको जानते, पहले रह चुके उनके साथ चुनाव के वक्त और मैं गया। और आज हम मानते हैं कि इसका फल मिलेगा हम सब, क्योंकि बहुत हो गई ये तानाशाही सरकार की, जो भी आप कहना चाहे उसे, हम सिर्फ इतना चाहेंगे कि आप भी हमें सहयोग दें और बांकीपुर के चेहरे को बदलने का मौका थी। उस समय भी 2015 में भी बांकीपुर से जो चुनाव हुआ था उस चुनाव में नितिन नवीन को ही भारी मतों से विजय प्राप्त हुई, तो ऐसा नहीं लगता है कि इस टाइम में भी आपने वो सीट को मतलब लेना चाह रहे हैं, आप उसके लिए प्रत्याशी हैं तो आपने एक रिस्क उठा लिया है। रिस्क गलत शब्द है, रिस्क तो बहुत ही गलत शब्द है। मेरा मानना है क्योंकि एक व्यक्ति है जो मतलब जीत चुका है पहले, तो इसका मतलब है कोई और सामने आएगा नहीं। मैं सामने क्यों आया क्योंकि मैं डरता नहीं, हम जानते थे सब पहले से ही जानते थे कि कितने बार जीत चुके हैं, कहते हैं कि भाजपा का गढ़ है, तो इससे आप मुझे थोड़ा पहचानिए कि मैं तब भी मैदान में उतरा हूँ। और देखिए अभी बांकीपुर की सीट आप पूछ रहे मुझे क्या, मुझे रिस्क लगा, मुझे लगता है उनको डर लगा कि देखिए जैसे उन्होंने सुषमा दीदी के साथ जो किया, मैं कल भी रात पुष्पम प्रिया जी को मतलब गिरफ्तार करवा दिया, मुझे तो लग रहा है कि वो बहुत डरे हुए इस वक्त। और हो सकता है कि इस सीट पर डर क्यों होता है, चुनाव में कोई जीतता है कोई हारता है, ये ज़िंदगी का भी दस्तूर है। तो मतलब अगर आप स्कूल भी नहीं जाएंगे, अगर आपको पता है एग्ज़ाम है कल, आप एग्ज़ाम नहीं देंगे अगर आपको लगता है फेल हो जाएंगे, नहीं। मैं तो आया हूँ सक्सीड करने, और देखिए मैं जो कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, जो रिजल्ट आएगा परिणाम जो आएगा उसको हम सब उसको स्वीकार करेंगे, यही मुझे सिखाया मेरे पिता। सर पूरी घटना की बात की जाए तो हर जगह थोड़ा बदलाव लोग चाहते हैं क्योंकि कोरोना काल में बहुत सारे लोग काम नहीं कर पाए, तो क्या आपको लगता है कि बांकीपुर में इस बार जनता आपको प्यार देगी और नितिन नवीन जी लोग इतना काम नहीं कर पाए हैं कोरोना काल में? मुझे तो लगा भाजपा ने, ये तो मैं मानता हूँ कि भाजपा की रणनीति सिर्फ नीतीश जी को दोषी मानना गलत है। दोनों पार्टी गठबंधन में, केंद्र सरकार ने गलती की लॉकडाउन का ऐलान करके, कुछ तैयारी करके नहीं, कुछ सुविधा नहीं दी किसी श्रमिक को, और यहाँ पे जब गरीब श्रमिक वापस लौटे तब यहाँ की सरकार ने भी उनको सीट तक कोई नहीं ले जाता, सीट है।
हेलो जिंदाबाद।